الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر يهد لمن يشاء إناثا ويهد لمن يشاء الذكور إلى آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب عن الحسن رضي الله عنه وعن الحسين رضي الله عنه قبشا قبشا أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران الإسلام معزز سامعین کرام پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محترم بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے اور احادیث کا ایک مقدس ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت شریفہ اور احادیث مقدسہ کے ضمن میں کچھ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ سے دعا کیجئے کہ صحیح اور صالح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے علماء حضرات تشریف فرما ہے میں آپ کے سامنے کچھ لمبی چوڑی تقریر مجھے نہیں آتی ہے بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں اور اس محفل کا اس بزم کا اور اس محفل کا کیا مقصد ہے آپ کے سامنے حضرت والا نے بہت ہی مفصل تقریروں میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اس بزم کا کیا مطلب ہے اس بزم کی کیا حیثیت ہے میں بھی دو چار لفظ بول دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزم سجائی گئی ہے یہ اصلاح معاشرہ اور عقیقہ کے وجہ سے یہ بزم سجایا اور بسایا گیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اصلاح معاشرہ اور عقیقہ یہ دو پہلو ہیں الگ الگ پہلو ہیں اگر اس پر بات کی جائے تو وقت جو ہے کافی ہو جائے گا اس لیے میں عقیقہ کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا اس سے پہلے کہ میں نے آپ کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے مومن کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے سارے ایمان رکھنے والوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے بہترین نمونہ ہے بہترین انجن ہے جس طریقے سے آپ اور ہم اور ساری دنیا
टेक्नोलॉजी दौर में देखते हैं कि ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के पीछे बहुत से डब्बे होते हैं और उसको खींचने वाला एक इंजन होता है। अगर इंजन ना हो और अगर वो इंजन ना हो, उसके अंदर कैपेसिटी ना हो, उसके अंदर ताकत ना हो खींचने की, तो डब्बा जहां का तहीं रह जाएगा। इसी तरीके से हम और आपका इंजन, सारे मुसलमानों का आइडियल, सारे मुसलमानों का बेहतरीन नमूना आकाए नामदार ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि वो हमारी जात के अंदर खाने से लेकर सोने तक, चलने से लेकर फिरने तक, उठने से लेकर बैठने तक, बात करने से लेकर चुप रहने तक, ये सब चीजों में हमारे लिए वो आइडिया है। हम किसी की तरफ किस नजर से देखे, कैसे देखे, इन सब के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बेहतरीन अंदाज में समझाया है। हम छोटों से कैसे बात करें, बड़ों के सामने कैसे खड़े रहे, हम औरतों के सामने कैसे बात करें, बूढ़ों से कैसे बात करें, ये सब तरीका हमारे नबी ने हमें दे करके इस दुनिया से चले गए हैं। और उस चीज को हम इस दुनिया के अंदर फॉलो करें, उसको हम पकड़े और अपनी जिंदगी के अंदर उसको लाए, तो यकीनन हमारी जिंदगी संवर सकती है, सुधर सकती है, हम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन हम और आप, हमारा माशरा, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इस चीज को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल चुकी है कि हमारा कोई आइडियल भी है, कि हमारा कोई इंजन भी है, कि हमें कोई एक बेहतरीन नमूना दे गया है जिसको हम पकड़ कर चलेंगे, जिसको हम थाम कर चलेंगे, जिसको अपने दांतों से पकड़ कर चलेंगे, तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है, हमारी जिंदगी बोम हो सकती है, बिल्कुल लाइट आ जाएगी हमारी जिंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने का तरीका बताया, सोने का तरीका बताया, इतने वक्त नहीं है कि मैं आपको मुफस्सल तरीके से हर एक उनवान को जाहिर करके बताऊं, बल्कि मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैंने आपको ये बातें आपके सामने रख दी है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे लिए आइडियल है, जो नमूना है, वो कोई और जात नहीं हो सकती, कोई और जात नहीं हो सकती, क्योंकि वो जात ऐसी जात है जिसके बारे में आप अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया को पैदा करने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अर्श पर लिखा हुआ था। बहरे कैफ, इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। मैंने आपके सामने दूसरी आयत पढ़ी थी, यहबू लिमन यशाउ इनासा व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर। अकीका क्या है? अकीका किसको कहते हैं? अकीका का मतलब क्या है? ये प्रोग्राम जो रखा गया है, ये अकीका के मकसद से रखा गया है। हर आदमी इस सुन्नत को भूला चुका है, इसको भूला चुका है कि ये कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है जिसको हर आदमी नहीं जानता, जानता भी है तो इसको अदा करने की कोशिश नहीं करता। मैंने कहे अकीका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में आने से पहले एक वतीरा नामी रस्म चलता था, वतीरा नामी रस्म चलता था, उसके अंदर क्या होता था, जब बच्चा कोई पैदा होता, लड़का या लड़की, उस जमाने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से पहले लड़का अगर पैदा होता तो आदमी अपने मोच पर ताव फेर कर पूरे माशरे में घूमता, पूरे महल्ले में घूमता,
और सीना एकदम टाइट करके चलता कि मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, एक अनमोल चीज पैदा हुई है, खुदा ने हमें एक बहादुर सिपाही दिया है। लेकिन जब जब लड़की पैदा होती तो उनके चेहरे पर मनहूसियत छा जाती, उनके चेहरे पर नमूदार यानी अजीब सा उनका चेहरा बन जाता, और यहाँ तक चेहरा ही तक नहीं बल्कि वो लड़की को ऐब समझा करते थे और उसके साथ इतनी बदतमीजी इतनी बदसुलूकी किया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया करते, उन्हें जिंदगी में रहने का कोई मकसद नहीं समझा करते कि लड़की को जीना, लड़की को इस दुनिया के अंदर बातें रखना उनके लिए और उनकी शान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से लड़कियों को जो है जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, गड्ढा खोद कर उसे जो है गड्ढे में डाल कर बगैर किसी चीज के उसके बदन पर मिट्टी डाल देते और वो दम घुट घुट कर मर जाती थी। और जब लड़का पैदा होता तो अकीदा जो उस वक्त होता था वो वतीरा था, वतीरा लड़का पैदा होता तो एक बकरा जबा किया जाता, उसके अंदर गोश्त और खून को उस बच्चे में मलबूस कर दिया जाता, यानी सारे खून को लियाकर बच्चे के बदन पर मालिश कर दी जाती और गोश्त को उसके चारों तरफ सजा दिया जाता। आप अलैहिस्सलाम जब इस्लाम लेकर आए और जब ये मुआशरा देखा, ये तरीका देखा, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है कि खून बहाओ और उसको बच्चे को खून में आलूद कर दो और उसे उसमें जो है लखपत कर दो, ये तरीका इस्लाम का नहीं है मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, बल्कि इस्लाम का तरीका क्या है, इस्लाम का तरीका क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम का तरीका तो ये है कि आदमी का जब आदमी के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा हो तो वो लड़का हो या लड़की, इसीलिए कुरान में कहा कि यहबुरी मैं यशाउ इनासा, कि अल्लाह जिसको चाहे लड़का दे, वयहबुरी मैं यशाउ ज़कूर, या जिसे चाहे लड़का दे या जिसे चाहे लड़की दे। और दूसरी आयत में भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे लड़का दे भी और लड़की भी दे, यानी दोनों चीज दे और जिसे चाहे पांच बना दे। आज हम और आप सारे लोग जानते हैं कि किसी के पास लड़का है तो लड़की नहीं, किसी के पास लड़की है तो लड़का नहीं, किसी के पास अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों नियामतें अता की है, दोनों नियामतें अता की है। ये औलाद बहुत बड़ी नियामत है, अल्लाह की जानिब से ये नियामत है, औलाद बहुत बड़ी नियामत है। तो आप लिखा हुआ है कि जब लड़का पैदा हो तो उसकी जानिब से दो हिस्सा, दो बकरा अकीका किया जाए, उसकी जानिब से दो बकरा अकीका किया जाए और लड़की की जानिब से एक बकरा अकीका किया जाए। आज और हम आप जिस मकसद से यहाँ बैठे हुए हैं वो अकीका का ही सुन्नत अदा किया जा रहा है और इस अकीके की दावत को कबूल करना चाहिए और इसमें इस खुशी में शिरकत करना चाहिए। ये नहीं कि फला की जगह फला के घर लड़का पैदा हुआ है तो हमें कोई खुशी नहीं है, बल्कि खुशी में खुश होना चाहिए और खुशी में शामिल होना चाहिए और उसकी खुशी को दोबारा करना चाहिए। इसी तरीके से जब कोई बच्चा छोटा में यानी के अकीका कब किया जाए, सात दिन हो जाए, सातवें दिन अकीका किया जाए बच्चे का, सातवें दिन जो है उसके नाम से अकीका किया जाए और उसके सर के बाल को मुंड कर यानी छह
छीन कर उसके बाल के बराबर चांदी तौल कर उस चांदी को या उसका जो एवज पैसा है उसको सदोसा कर दिया जाए। यह तरीका है, लेकिन हम लोग इस तरीके को भुला चुके हैं। इसको हमारे शरीयत में बताया नहीं गया क्या? सब चीज आपको मालूम है, लेकिन हम जो है इस सुन्नत को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इस सुन्नत से हम मुंह मोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बस ढोल ताशे बजा लेते हैं, गलियों में मिठाइयाँ बांट देते हैं, एक दूसरे को दावत दे के खिला देते हैं, लेकिन सुन्नत जो है वो हम अदा नहीं करते। सारा खर्चा होता है, सब चीज होती है, लेकिन सुन्नत के तरीके पे नहीं होती, जिसकी वजह से सुन्नत अदा नहीं होती, उससे ज्यादा हमारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि आप इस सुन्नत को मजबूती से पकड़ें और इसको अपने मुआशरे में लागू करें और इसकी अहमियत और कदर को अपने दिल में उतारें। इन्हीं चंद बातों पर मैं आपसे रुख्सत होता हूँ।